ओके तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले सी एलिगेंस क्या होते हैं. आपको पता होगा सी एलिगेंस को वन ऑफ दी मॉडल ऑर्गेनिज्म में से एक माना जाता है. ठीक है, तो ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि नीमाटोड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसे हम कॉमन भाषा में राउंड वॉर्म कहते हैं. मेनली सी एलिगेंस में जो है दो टाइप के सेक्स पाए जाते हैं, एक होता है हर्माफ्रोडाइट, एक होता है मेल. हर्माफ्रोडाइट को फीमेल कंसिडर किया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर्माफ्रोडाइट एक ऐसा सी एलिगन होता है जिसके पास मेल प्लस फीमेल दोनों कैरेक्टर होते हैं, यानी कि ये एग भी बना सकता है, ये स्पर्म भी बना सकता है. तो इसमें मतलब प्योर फीमेल कैरेक्टर नहीं होता है, हर्माफ्रोडाइट कैरेक्टर होता है, मेल कैरेक्टर होता है. ठीक है, हर्माफ्रोडाइट में मेल एंड फीमेल दोनों कैरेक्टर पाए जा सकते हैं. ज्यादातर जो सी एलिगेंस होते हैं आगे चल के जब वो डेवलपमेंट फेज को क्रॉस करते हैं और आगे चल के जब इंडिविजुअल स्टेज में आते हैं, तो उस टाइम पे ज्यादातर सी एलिगेंस जो है वो हर्माफ्रोडाइट देखे जाते हैं, जिनके पास दोनों का दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं. हर्माफ्रोडाइट जो है इस तरीके से आप देख सकते हो कि हर्माफ्रोडाइट क्योंकि कैपेबल है स्पर्म भी प्रोड्यूस करने में, एग भी प्रोड्यूस करने में, इसीलिए हर्माफ्रोडाइट की बॉडी में पाया जाने वाला स्पर्म उसी के एग को भी फर्टिलाइज कर सकता है, जिसे हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं. या फिर मेल से आने वाला स्पर्म जो है हर्माफ्रोडाइट के एग को फर्टिलाइज कर सकता है, जिसे कि हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं. इसको हम राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं और ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म रिगार्ड किया जाता है बिकॉज इसका जनरेशन टाइम बहुत छोटा है. लगभग 3 दिन में जो है आपको एक जनरेशन मिल जाती है, जिसमें कि मोर देन 300 प्रोजेनी जो है हर एक जनरेशन में देखने को मिलती है. इसकी स्टडी काफी ईजी है, इसके जीनोम को सीक्वेंस किया गया है, जिसकी वजह से जो है इसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पता लगाना आसान है. और अगर आप इसमें कुछ मैनिपुलेशन करते हो तो लगभग 3 दिन में एक नए जनरेशन में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है. तो ये एक आइडियल मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह रिगार्ड किया जाता है, जिसमें कि और भी कैटेगरी हैं, जैसे कि प्लांट में अरबिडोप्सिस थालियाना हो गया, माउस हो गया, सी एलिगेंस हो गया, ये सब क्या है, ये सब मॉडल ऑर्गेनिज्म कंसिडर किए जाते हैं. ठीक है, जो कि आपकी स्टडीज को, आपका जो टारगेट स्टडी होता है उसको जो उसको जो है एक लेवल पे ये सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ये थी कहानी रिगार्डिंग दी सी एलिगन. ये बेसिक इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, जिसको मतलब कुछ अगर ऐसे बच्चे हो जिनको कुछ नहीं पता है कि सी एलिगन्स क्या होते हैं, तो उसके लिए ठीक है. यहाँ पे एक पिक्चर अटैच कर दिया गया है सी एलिगन का. ओके, तो सी एलिगन में बहुत कुछ है जो कि पढ़ने वाला है. ठीक है, मैं जिस कॉलेज, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया है, उस यूनिवर्सिटी में जो है एक पूरा सी एलिगन का लैब हुआ करता था. ठीक है, तो हमने हमारी आंखों से भी सी एलिगन को देखा है, उस पे काम करना एंड एवरीथिंग. तो सी एलिगन में ना ऐसे बहुत से एरिया हैं जो कि रिसर्च इंटरेस्ट के लिए देखे जाते हैं, मतलब बहुत ऐसे एरिया हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो सी एलिगन में. तो उसी के बेसिस पे जो है कुछ एकाध एरिया को एक्सप्लोर करके आपके सिलेबस में डाला गया है. उसमें से एक एरिया है सी एलिगन में वल्वा का फॉर्मेशन. उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वल्वा का फॉर्मेशन क्या होता है, वल्वा क्या होता है और क्यों इसके फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब आपको वजह पता होती है तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. ठीक है, इसी तरीके से करके हम बहुत से अलग अलग ऑर्गेनिज्म को टारगेट करेंगे और उनके डेवलपमेंटल फेज के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजों को जानने की कोशिश करेंगे. ओके, तो अगर हम बात करते हैं वल्वा के डेवलपमेंट की, तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में समझ लेते हैं. वल्वा का डेवलपमेंट मेनली लार्वल स्टेज में होता है. जब लार्वा स्टेज में सी एलिगन होता है, उस टाइम पे हमें जो है वल्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, एक एडल्ट वल्वा जो है ये फीमेल के सेक्स ऑर्गन का पार्ट होता है, जो कि लगभग 22 सेल्स का मिलकर बना है. ठीक है, टोटल 22 सेल्स जो है वो मिलके वल्वा का फॉर्मेशन करवाते हैं. वल्वा फीमेल सेक्स एपरेटस का पार्ट है. क्या करता है वो फंक्शन के मामले में, इट सर्व एज अ स्ट्रक्चर थ्रू विच द स्पर्म एंटर एंड फर्टिलाइज्ड एग लीव्स द गोनाड्स. ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा सेक्स एपरेटस है जो कि फीमेल यानी हर्माफ्रोडाइट में पाया जाएगा, जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो एंट्री लेगा और जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गोनाड्स को लीव करके बाहर निकलेंगे. ये ऐसी ओपनिंग होती है जहां से स्पर्म की एंट्री होगी एंड फर्टिलाइज्ड एग जो है एग्जिट लेंगे. इसीलिए जो वल्वा है उसके फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने देख लिया इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है.
और इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो वल्वा जो है उसका राइट पोजीशन पे बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये राइट पोजीशन पे नहीं बनता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। कौन सा फर्टिलाइजेशन? मेनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। एंड वल्वा इज नेसेसरी फॉर एग लेइंग एज वेल एज मेटिंग एंड प्रेजेंट इन अ मिड वेंट्रल रीजन। मतलब कि अगर आपके सामने ये पिक्चर है सी एलिगन का, तो ये है मिड वेंट्रल रीजन, ये है एंटीरियर, ये है पोस्टीरियर, ये है डॉर्सल, ये है वेंट्रल, और वेंट्रल के बीच में यानी मिड वेंट्रल रीजन। एंटीरियर यानी हेड सेक्शन, पोस्टीरियर टेल, डॉर्सल बैक पोर्शन, वेंट्रल पेट वाला यानी सामने वाला बेली वाला पोर्शन। तो वल्वा जो है वो कहां रहता है? वो मिड वेंट्रल रीजन में रहता है। ठीक है, तो आपको पता चला कि वल्वा क्या है, क्यों इसका सही जगह पर बनना जरूरी है, क्योंकि ये एग ले करता है और मेटिंग के लिए जरूरी होता है। अगर ये सही जगह पे नहीं बनेगा तो एग ले भी प्रॉपर नहीं होगा और मेटिंग भी प्रॉपर नहीं होगा। दैट विल रिजल्ट इनटू सम काइंड ऑफ म्यूटेशन केसेस। और ये टोटल 22 सेल्स का मिलकर बना होता है। वल्वा डेवलपमेंट इन सी एलिगन इन्वॉल्व द नेटवर्क ऑफ इंटरसेलुलर सिग्नलिंग। बहुत से इंटरसेलुलर सिग्नलिंग होती है यहाँ पे, यानी दो सेल्स के बीच में बहुत सी सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जिसमें कि सिग्नल ट्रांसडक्शन, सिग्नल पास भी होता है एंड ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन भी होता है। मेनली देखा गया है कि वल्वा का जो इंडक्शन होता है सी एलिगन में, वो पैराक्राइन एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नल के काम करने की वजह से होता है। यानी इस चैप्टर में आप दो सिग्नलिंग को बहुत ही प्रिवेलेंट लेवल पे देखोगे, जो कि होगा पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ये दोनों सिग्नलिंग बहुत अच्छे से रोल प्ले करती हैं सी एलिगन के वल्वा डेवलपमेंट में। और अगर अब यहाँ से आप फिर से आप कनेक्ट करोगे कि क्यों हमने पहले सिग्नलिंग पढ़ी है, सबसे पहले हमने सिग्नलिंग क्यों पढ़ी बताइए, क्योंकि उसमें जक्स्टाक्राइन भी था एग्जाम्पल, पैराक्राइन भी था। अब उन सबका एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक पोर्शन कि एक्चुअल में जो वल्वा है सी एलिगन में वो क्या होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, और उसका मेनली फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्या है। उम्मीद करती हूँ ये चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बोला है, इंडक्शन डज इनडीड अकर इन सेल टू सेल लेवल एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा इन नेमेटोड वॉर्म दैट इज सी एलिगन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वल्वा डेवलपमेंट, वल्वा डेवलपमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन प्रोसेस। मैंने आपको इंडक्शन पहले समझाया है, राइट? तो इसी इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है वो वल्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लाइक इंड्यूसर एक्टिवेट द आरटीके पाथवे लीडिंग टू द डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल रेगुलेशन ऑफ नॉच डेल्टा सिग्नलिंग। यानी ड्यूरिंग द वल्वा डेवलपमेंट हम ये देखेंगे कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की वजह से आरटीके पाथवे एक्टिवेट होता है। आरटीके पाथवे यानी किसकी किसकी बात कर रहा है, हमने जो एफजीएफ में देखा था वैसा पाथवे। तो यहाँ पे एक आरटीके पाथवे एक्टिवेट होगा, उस आरटीके पाथवे की वजह से आगे चल के जो प्रोसेस होंगे उस प्रोसेस में कौन एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज डेल्टा नॉच सिग्नलिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और जब आरटीके पाथवे कह रहे हो आप, तो ये कौन सी सिग्नलिंग हो गई, ऑब्वियसली ये पैराक्राइन हो गई। आरटीके फैमिली का ही तो हमने एग्जाम्पल देखा था, जो कि क्या था, एफजीएफ। और जब ये रेगुलेट करेगा डेल्टा नॉच सिग्नलिंग को, जो कि किसका एग्जाम्पल हो गया, जक्स्टाक्राइन का एग्जाम्पल हो गया, राइट? रिलेट कर पा रहे हो आप? एक ही चीज को घुमा फिरा के अलग अलग शब्दों में बोला जा रहा है, लेकिन चीज वही है पूरी की पूरी। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम वही सब चीजें हैं। अच्छा, आपके सामने ये एक डिटेल डायग्राम है सी एलिगन का, बट इतना डिटेल में नहीं जाना है मुझे, बस एक चीज आपको दिखानी है, वो है कि इसके वल्वा का लोकेशन ये रहा। ठीक है, ये वाला रीजन, ये देखिए, ये है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वल्वा। मैं एक बार जूम कर देती हूँ, एक आइडिया मिल गया आपको। ओके, अब थोड़ी सी बैक स्टोरी हो जाए, पुरानी कहानी है ना।
डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, डिफरेंशियल रेगुलेशन मींस, डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन बताया है तो आपको, जीनोमिक इक्विवेलेंस में बताया था, मतलब कि डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप के रेगुलेशन होंगे, यानी पाथवे को ऑन ऑफ करने का काम होगा और उसी ऑन ऑफ का रिजल्ट होगा कि डेल्टा नॉच पाथवे एक्टिवेट होगा। ओके तो बैक स्टोरी ये कहती है कि ज्यादातर जो सी एलिगन इंडिविजुअल्स होते हैं वो मेनली हर्माफ्रोडाइट होते हैं नेचर में। इन देयर अर्ली डेवलपमेंट दे आर मेल। अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, ज्यादातर जो सी एलिगन होते हैं वो मेल देखे जाते हैं, ठीक है। बट द गोनाड्स प्रोड्यूस स्पर्म, जिसमें कि गोनाड जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, विच आर स्टोर्ड लेटर, स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, और उसको जो है आगे चल के स्टोर किया जाता है ताकि वो आगे काम आ सके। एज दे ग्रो ओल्डर दे डेवलप ओवरी, और जैसे जैसे ये मेल्स ओल्डर फॉर्म में ग्रो होते जाते हैं इनमें ओवरी डेवलप होने लगती है, ठीक है। द एग रोल्स थ्रू द रीजन ऑफ स्पर्म स्टोरेज एंड आर फर्टिलाइज इनसाइड द नेमेटोड। उसके बाद जो है ये जो एग है वो स्पर्म मतलब कि स्टोर जो स्पर्म होता है उसकी मदद से फर्टिलाइज होते रहते हैं, एंड दे पास आउट द बॉडी थ्रू द वल्वा, और बॉडी से बाहर निकलने का काम भी किसके थ्रू करते हैं, दैट इज वल्वा के थ्रू करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ वल्वा अकर ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज फ्रॉम सिक्स सेल कॉल द वल्वा प्रिकर्सर सेल, और जो वल्वा का फॉर्मेशन होता है वो लार्वल स्टेज पे होता है, वो भी 6 सेल से मिलकर होता है। टोटल 6 सेल यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वल्वा के फॉर्मेशन में। उन 6 सेल को कहा जाता है वल्वा प्रिकर्सर सेल्स, यानी VPCs कहा जाता है इसको, ठीक है। द सेल कनेक्टिंग द ओवरलाइंग गोनाड एंड द वल्वा प्रिकर्सर सेल इज कॉल्ड एंकर सेल, और एक सेल ऐसा होता है जो कि ये रहा गोनाड्स, ठीक है, और नीचे की तरफ रहे वीपीसी। इन दोनों सेल्स को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करता है एक सेल बीच में, इसे हम एंकर सेल का नाम देते हैं, ठीक है। एंकर सेल क्या करता है, एंकर सेल का काम होता है एक सिग्नल मॉलिक्यूल को सिक्रीट करना जिसका नाम होता है लिन3। लिन3 क्या है, लिन3 इज अ पैराक्राइन फैक्टर। कैसा फैक्टर है ये, बिल्कुल वैसा ही फैक्टर है जैसा फैक्टर आरटी के पाथवे में ईजीएफ होता है, यानी सी एलिगन का लिन3 इट एक्ट लाइक अ मेमेलियन ईजीएफ, यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, और हेंस लिन3 क्या करता है, ये आरटी के पाथवे को एक्टिवेट करता है जस्ट लाइक द फैक्टर कि ईजीएफ भी आरटी के पाथवे को एक्टिवेट करता है। I'm repeating it once again. Maximum जो सी एलिगन इंडिविजुअल होते हैं, यानी आगे चल के जब मैच्योर होते हैं तो मैक्सिमम आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अर्ली स्टेज में जो है सारे सी एलिगन मेल की तरह ग्रो होते हैं, उनमें से कुछ मेल ऐसे होते हैं जो कि आगे चल के हर्माफ्रोडाइट में कन्वर्ट होंगे। मेल में देखा जाता है कि उनमें गोनाड्स पाया जाता है जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है, वो स्पर्म को स्टोर किया जाता है ताकि वो आगे आगे चल के जो है उसका इस्तेमाल कर सके। जैसे जैसे उनका फर्दर डेवलपमेंट होता है उनमें ओवरीज डेवलप होने लगती है, उसके बाद ओवरी से जो है एग प्रोड्यूस होने लगता है। ये जो एग प्रोड्यूस होता है और ये जो स्पर्म स्टोर है वो उन दोनों का मिलकर क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऑब्वियसली वहां पे एक चीज आती है वल्वा, ठीक है, क्योंकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो गोनाड्स को कैसे लीव करेंगे, वल्वा के थ्रू ही लीव करते हैं। तो यहाँ पे होता है वल्वा का फॉर्मेशन मेनली एट द लार्वल स्टेज, जहाँ पे टोटल 6 सेल जो है वल्वा को फॉर्म करने का काम करती है। वो जो 6 सेल होती है उनको हम वल्वा प्रीकर्सर सेल कहते हैं, क्योंकि वो आगे चल के वल्वा को बनाने का काम करेंगे, इसीलिए हम इसे वल्वा प्रीकर्सर सेल कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसे वीपीसीज कहते हैं। आगे चल के क्या होता है, एक और सेल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं एंकर सेल। एंकर सेल एक ऐसी सेल होती है जो कि गोनाड्स और इस वल्वा प्रीकर्सर सेल को दोनों को जो है आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। ये एंकर सेल जो है एक्चुअली फ्यूचर में चल के एक इंड्यूसर की तरह काम करती है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट लिन3 का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। लिन3 इज अ सिग्नल मॉलिक्यूल, या वो सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम करता है। तो मैमेलियन बॉडी में पाया जाने वाला ईजीएफ, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसकी तरह काम कौन करता है, सी एलिगन में पाया जाने वाला लिन3। लिन3 आगे चल के आरटी के पाथवे को एक्टिवेट करता है और उस आरटी के पाथवे के द्वारा वल्वा का डेवलपमेंट होता है। यस, क्लियर। समझ में आ गया ये स्लाइड सभी को,
ये बैक स्टोरी था, अभी तक हम मेन स्टोरी में एंट्री ही नहीं ली है। चलो ओके, तो वल्वा डेवलपमेंट से भी सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि एंकर सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्यों? एंकर सेल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, एंकर सेल क्या होता है। एंकर सेल, यहाँ पे मैं फिर से एक बार इसकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। एंकर सेल एक्चुअल में पूरे वल्वा डेवलपमेंट में एक इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो वेरी ऑब्वियस, हमको पता होना चाहिए कि एंकर सेल जो है क्या करते हैं। ठीक है, तो एंकर सेल जो है इंड्यूसर का काम करते हैं, एंड दैट इज वाई वी हैव टू नो कि एंकर सेल बनते कैसे हैं। तो होता क्या है वाइल्ड टाइप सी एलिगन में, अब यहां से सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए बिकॉज हम अब एडवांस लेवल में एंट्री ले चुके हैं और ये है आपका पहला टारगेट कि एंकर सेल फॉर्म कैसे होता है, इसके बारे में अच्छे से समझ लेना। एक बार सुन लेंगे और आज क्लास के बाद जाके पेपर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, फिर आप नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि टफ कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। तो क्या होता है सी एलिगन, वाइल्ड टाइप सी एलिगन जो कि मेनली होता है हर्माफ्रोडाइट, इसमें जो है दो सेल पाए जाते हैं। ठीक है, सेल का नाम है Z1.PPP और दूसरा सेल है Z4.AAA। ये सेल एडजेसेंट सेल होते हैं, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में प्रेजेंट होते हैं, और इन सेल के, इनको जो है हम इक्विवेलेंट सेल कहते हैं। इक्विवेलेंट सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम कॉम्पिटेंसी, सेम पोटेंशियल। किस चीज का सेम पोटेंशियल? एंकर सेल बनने का, मतलब दोनों सेल के पास इक्वल कैपेबिलिटी है दैट दे कैन फॉर्म एंकर सेल, ये खुद को एंकर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम कहते हैं दे आर इक्वी वैलेंट सेल, द सेल विच इज हैविंग अ इक्वल वैलेंसी, यानी इक्वल पोटेंशियल, इक्वल पावर, इक्वल कॉम्पिटेंसी, इसको हम इक्वी वैलेंस कहते हैं। तो Z1.PPP एंड Z4.AAA जो हैं, ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स मेनली आपके इक्वी वैलेंस सेल होते हैं, दे आर हैविंग द इक्वल पोटेंशियल टू कन्वर्ट देम सेल्फ इन टू एंकर सेल। अब क्या होता है, ये दोनों सेल इस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे से कि एक सेल आगे चल के एंकर सेल बनता है और दूसरा सेल जो है वो यूटरिन एरिया में पाया जाने वाला टिश्यू बन जाता है। यानी रियलिटी ये है कि इन दोनों में से कोई एक ही सेल एंकर सेल बनता है और दूसरा यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाता है। ठीक है, तो कौन कौन बनता है और क्या बनता है? तो देखिए, हमने क्या किया, Z1.PPP एंड Z4.AAA को जो है हमने इन जनरल सेल वन सेल टू कह दिया, बार बार इतना लंबा नाम लेने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो हमने सेल वन सेल टू कह दिया। अब मान लीजिए जिस सेल के पास, लेट्स कंसिडर सेल वन के पास LIN12 नाम का एक फैक्टर एक्सप्रेस हुआ और दूसरे सेल के पास LIN12 नाम का फैक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। तो जिस सेल के पास LIN12 एक्सप्रेस होता है वो यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाता है, जबकि जिस सेल के पास LIN12 एक्सप्रेस नहीं होता वो वाला सेल एंकर सेल बनता है। आप सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हो एंकर सेल को LIN12 की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उस सेल में LIN12 एक्सप्रेस नहीं होता है और हेंस एंकर सेल बन जाता है। तो एंकर सेल की एक और भी खासियत है, इसकी एक पहचान है कि ये एक इंड्यूसर है, दूसरी पहचान है कि ये जो है ओवरलेइंग गोनाड्स और अंडरलेइंग वीपीसी को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। बट इस एंकर सेल का नेचर क्या है, राइट? तो एंकर सेल क्या करते हैं, एंकर सेल पोजिशनल इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कहां पे जो है वल्वा बनेगा। The positional information is needed for the precursor cell is provided by the cell in the gonads called the anchor cell. इस anchor cell का nature क्या होता है? ये anchor cell जो है derive किए जाते हैं somatic gonad cell से, इसलिए इनका nature होता है somatic gonadal cell. ये gametic cell नहीं होते हैं, ये somatic gonadal cell होते हैं। Okay? ये जो हमने अभी समझा ये outline है, अभी ये real पूरा picture नहीं है, real picture में अभी आपको समझाऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये जो आउटलाइन मैंने समझाया है ये समझ में आ गया होगा कि एक सेल में LIN12 बनेगा तो वो यूटरिन टिश्यू बन जाएगा और दूसरे सेल में जो है LIN12 नहीं बनेगा तो वो एंकर सेल बन जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने समझ लिया। अब डिटेल इंफॉर्मेशन पे आते हैं, रियलिटी में क्या हो रहा है, पूरा सिग्नलिंग कैसे चल रहा है, जरा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, बाई चांस इवेंट्स आपने सुना है, बाई चांस इवेंट
कहीं देखा हो, कहीं सुना हो। मान लीजिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दो बच्चे हैं, एक है समीर एक है स्वाति, ठीक है। ये दोनों मेरे पास पर्सनल ट्यूशन पढ़ने आते हैं। मेरे पास क्या है कि मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं। मैंने क्या किया, इन मतलब ना मेरा बायसनेस समीर की तरफ है ना मेरा बायसनेस स्वाति की तरफ है, ठीक है। मैं दोनों स्टूडेंट को इक्वली मतलब कि लेकर चलती हूँ। लेकिन ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि एक दिन मैं क्लास ले रही थी और समीर जो है वो क्लास से जल्दी निकल गया, और स्वाति जो है क्लास में बैठ के कुछ उसको 10-15 मिनट उसको एक्स्ट्रा काम करना था, तो वो मेरे पास ही बैठी रही। उस वक्त पे क्या हुआ, अचानक से मुझे मेरे अलमीरा से जो है कुछ एक्स्ट्रा नोट्स मिल गए, और मैंने क्या किया, मैंने स्वाति को दे दिया। मैंने बोला लो स्वाति इसको पढ़ लेना, मेरे पास रहकर क्या होगा। तो वो नोट स्वाति को मिला, वो नोट समीर को नहीं मिला। ये कैसे हुआ, ये बाई चांस इवेंट था ना, किसी का कोई प्री प्लान नहीं था, ना समीर का जाना प्लान था, ना स्वाति का रुकना प्लान था, और ना मेरे नोट्स का उस टाइम पे अलमीरा से मिलने वाला प्लान था, कोई प्लान नहीं था। ये जो हुआ वो बाई चांस इवेंट था, ऑल ऑफ सडन अचानक से हुआ, राइट। इसी को कहते हैं बाई चांस इवेंट, यानी एक मौके में कभी भी कुछ भी अनसर्टेन हो सकता है, ओके। तो कहानी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे बाई चांस इवेंट होता है। देखिए ये जो वाई टाइप हमने सी एलिगन देखा था, जिसमें हमने कहा था दो एडजेसेंट सेल पाए जाते हैं Z1.PPP एंड Z4.PPP, ठीक है। इनमें से किसी भी सेल को आप सेल वन सेल टू कह सकते हैं। अब किसी भी सेल को मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेट्स कंसिडर कि मैंने ये सेल वन सेल टू इनको लिख लिया। सेल वन चलिए मान लेते हैं मैंने किसको ले लिया, आपके सहूलियत के लिए मैं बता दे रही हूँ। सेल वन मैंने ले लिया किसको, इसको फर्स्ट वाले सेल को, और सेल टू मैंने ले लिया सेकेंड वाले सेल को, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बाय चांस इवेंट से एक सेल सेलेक्ट होगा। लेट्स कंसीडर सेल वन सेलेक्ट हो गया बाय चांस, ठीक है। तो जो सेल सेलेक्ट होगा ना वो क्या करेगा, वो अपने सरफेस पे लैग टू नाम का सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा या एक्सप्रेस करना शुरू कर देगा। और ये लैग टू कुछ और नहीं होता, ये लैग टू डेल्टा होता है, डेल्टा यानी लिगेंड होता है। और क्योंकि ये सेल लैग टू प्रोड्यूस करेगा, हेंस इसीलिए ये कभी लिन 12 एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो सेल लैग टू प्रोड्यूस करेगा वो लिन 12 प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो सेल लिन 12 प्रोड्यूस करेगा वो लैग टू प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो लैग टू यहां पे प्रोड्यूस हुआ किसके थ्रू, सेल वन के थ्रू, और उसका एक्सप्रेशन होने लगा। यही सेल जो लैग टू प्रोड्यूस करती है और लिन 12 प्रोड्यूस नहीं करती है, यही सेल आगे चल के एंकर सेल बनती है। और साथ ही साथ क्योंकि सेल वन में लैग टू प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अपने बगल वाले सेल को, यानी एडजेसेंट सेल है ना, बगल में ही प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे प्रेजेंट है ये दोनों सेल। तो अगर एक सेल ने लैग टू प्रोड्यूस कर लिया, तो ये दूसरे सेल को सिग्नल देती है, दूसरे सेल को स्टिमुलेट करती है कि भाई कुछ भी हो तू लैग टू नहीं बनाना, ठीक है। इसीलिए सेल टू जो है लैग टू नहीं बनाती है, उसका काउंटर पार्टनर बनाती है जो कि होता है लिन 12। लिन 12 को हम यहाँ पे नॉच कहते हैं, जो कि होता है रिसेप्टर। और जो सेल लिन 12 का एक्सप्रेशन करती है, लैग टू का एक्सप्रेशन नहीं करती है, वो सेल आगे चल के यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बनती है। इसलिए हम कहते हैं सेल टू में जो है लैग टू का प्रोडक्शन नहीं होता है, लिन 12 का प्रोडक्शन होता है। और सेम केस सेल वन में लिन 12 का प्रोडक्शन नहीं होता है, लैग टू का प्रोडक्शन होता है। तो एक सेल के पास जो है क्या आ गया, लिगेंड आ गया, और दूसरे सेल के पास रिसेप्टर आ गया, और ये दोनों मिलके जो है डेल्टा नॉच खेलना शुरू कर देते हैं, यानी डेल्टा नॉच सिग्नलिंग यानी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग यहाँ एस्टेब्लिश करना शुरू कर देते हैं। और उसी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग का रिजल्ट क्या होता है कि जो सेल जो है यहाँ पे डेल्टा एक्सप्रेस करती है वो एंकर सेल बन जाती है, और जो सेल नॉच एक्सप्रेस करती है वो यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाती है। तो यहाँ पे बहुत सी चीजों का जवाब मिला। पहला, यहाँ पे सिग्नलिंग कौन सी हो रही है, यहाँ पे डेल्टा नॉच सिग्नलिंग हो रही है। लैग टू यहाँ पे डेल्टा का काम कर रहा है, जिसे हम सिंपल कॉमन भाषा में सिग्नल मॉलिक्यूल या लिगेंड कहते हैं। और दूसरी तरफ लिन 12 जो है रिसेप्टर का काम कर रहा है, जिसे हम जक्स्टाक्राइन की भाषा में नॉच कहते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो जो सेल लिन 12 बना रही है वो लैग टू नहीं बनाएगी, जो सेल लैग टू बना रही है वो लिन 12 नहीं बनाएगी। क्लियर, सिंपल सा कहानी है ये।
अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी मत लाइएगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो क्या बोला है, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इन अ लार्वल स्टेज डेवलपमेंट द सेल दैट बाय चांस इज सीक्रेटेड मोर लैग टू कॉजेज इट्स नेबर टू सीज इट्स प्रोडक्शन ऑफ दिस डिफरेंशिएशन सिग्नल एंड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ लिन12। जो सेल लैग टू का सिक्रीशन ज्यादा करती है वो अपने बगल वाले सेल को इन्फ्लुएंस कर देती है कि भाई तू लैग टू का सिक्रीशन मत करना क्योंकि मैं कर रही हूं, और हेंस वो सेल लैग टू का सिक्रीशन ना करके अब लिन12 का सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। बिल्कुल अंशिका जी, उस चीज पे भी आएंगे जो आप बोल रही हैं, वो सही बोल रही हैं, उस चीज पे भी आएंगे, वेट कीजिए। पहले नॉर्मल तो समझ लीजिए, म्यूटेशन के बारे में हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। बताओ जी, क्लियर हो गया ये? आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, नॉच डेल्टा सिग्नलिंग डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ना अक्सर, हमेशा तो नहीं, अक्सर इस चीज के लिए होती है कि मैं जो काम कर रही हूं वो तू मत कर। मतलब मैं, मुझे अगर किडनी बनना है तो तू गलती से भी किडनी नहीं बनना। यानी अगर दो सेल आमने सामने हैं और एक सेल ने डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के थ्रू खुद को किडनी बनाने का फेट ले लिया, तो वो दूसरी सेल को डेल्टा नॉच सिग्नलिंग के थ्रू इन्फॉर्म कर देती है कि भाई मैं किडनी बनने वाली हूँ, तू गलती से भी किडनी नहीं बनना, तू कुछ और बन जा। इस तरीके की सिग्नलिंग होती है, ठीक है? तो दूसरे वाले सेल को रिस्ट्रिक्ट भी किया जाता है कि सिमिलर फेट ना अटेंड कर ले वो सेल। जैसे कि यहाँ पे भी वही किया गया कि एक सेल अगर लैग टू बना रही है तो वो दूसरे वाले को रोक रही है कि भाई तू लैग टू मत बनाना, लैग टू मैं बना रही हूँ, तू कुछ और बना ले, तू इसका काउंटर पार्ट बना ले, लिन12 बना ले, ठीक है? अब इसका जरा बुकिश डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है। तो ये रहा एक सेल जिसपे की सिग्नल मॉलिक्यूल है, क्या है इस पे, दैट इज दी लैग टू है, और दूसरा सेल है जिसपे रिसेप्टर है, दैट इज लिन12 है, और ऑब्वियसली इसके इंट्रैक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, इसके इंट्रैक्शन के थ्रू लैग टू एक्सप्रेस करने वाला सेल फ्यूचर में एंकर सेल बन रहा है, और लिन12 एक्सप्रेस करने वाला सेल फ्यूचर में क्या कर रहा है, दैट इज वेंट्रल यूटेरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन रहा है। रोहित जी, ये सिग्नलिंग का पार्ट है। जो सेल सबसे पहले एक्टिवेट होती है उसमें लैग टू का कंसंट्रेशन हाई होता है। ओके, सो दैट इज व्हाट मेंशन हियर, द मॉडल फॉर जनरेशन ऑफ टू सेल टाइप, दैट इज द एंकर सेल एंड वेंट्रल यूटेरिन प्रिकर्सर सेल फ्रॉम द टू इक्विवेलेंट सेल, दैट इज Z1.PPP एंड Z4.AAA in CA ligand। क्या क्या बोला है देखिए, द सेल स्टार्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट प्रोड्यूसिंग फ्लक्चुएटिंग अमाउंट ऑफ सिग्नल एंड रिसेप्टर। शुरुआत में जो दोनों सेल होती है ना वो इक्विवेलेंट होती है और फ्लक्चुएटेड बेसिस पे सिग्नल एंड रिसेप्टर का एक्सप्रेशन कर रही होती है। लैग टू जीन इज थॉट टू इनकोड द सिग्नल एंड लिन12 जीन इज थॉट टू इनकोड अ रिसेप्टर। सो रिसेप्शन ऑफ सिग्नल टर्न डाउन लैग टू, दैट इज डेल्टा प्रोडक्शन एंड अपरेगुलेशन ऑफ लिन12, दैट इज नॉच। तो क्या होता है, सिग्नल को जब रिसीव किया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सेल में, मतलब जो सेल रिसेप्टर बनाने वाली होती है वो क्या करती है, वो टर्न डाउन कर देती है लैग टू को, और प्रोडक्शन किसका करने लगती है, लिन12 का। अ चांस इवेंट कॉजेज वन सेल टू प्रोड्यूस मोर लैग टू, यानी बाई चांस ऐसा होता है कि एक सेल ज्यादा लैग टू बनाने लगती है देन द अदर सेल, अदर सेल के कंपैरिजन में, एट सम पर्टिकुलर क्रिटिकल टाइम विच स्टिमुलेट द मोर लिन12 प्रोडक्शन इन द नेबरिंग सेल। जिसकी वजह से क्या होता है, जो सेल लैग टू ज्यादा बना रही होती है उसका अपोजिट वाला नेबरिंग सेल जो है लिन12 ज्यादा बनाने लगता है। दिस डिफरेंस इज एम्पलीफाइड बिकॉज द सेल प्रोड्यूसिंग मोर लिन2 प्रोड्यूस लेस लैग टू। जो सेल ज्यादा लिन2 बनाएगी वो लेस लैग टू बनाएगी। इवेंचुअली जस्ट वन सेल इज डिलीवरिंग द लैग टू सिग्नल एंड द अदर सेल इज रिसीविंग इट। और इस तरीके से एक्चुअल में एक सेल ज्यादा लैग टू बनाती है और दूसरा सेल जो है ज्यादा लिन12 बनाती है, और उन्हीं का इंट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करता है। द सिग्नलिंग सेल बिकम द एंकर सेल एंड द रिसीविंग सेल बिकम द वेंट्रल यूटेरिन प्रिकर्सर। तो सिग्नलिंग सेल कौन होती है, वो सेल जो लैग टू बना रही होती है, तो वो आगे चल के एंकर सेल बन जाती है, और जो रिसीविंग सेल होती है जो कि लिन12 एक्सप्रेस कर रही होती है वो आगे चल के यूटेरिन प्रिकर्सर सेल बन जाती है। हम लैग टू लिन12 का रिसेप्टर है क्या, कैसी बात कर रही हैं रिया जी, ऐसी बहकी बहकी बातें करेंगी आप क्लास में? हाँ,
मतलब कि इतने साफ शब्दों में यहां लिखा है कि लैग टू इज डेल्टा, डेल्टा इज सिग्नल, सिग्नल इज लिगेंड, और लिन 12 के बगल में ब्रैकेट में लिखा है रिसेप्टर, फिर भी ऐसे उल्टा स्टेटमेंट बोल रही हैं आप, एकदम अपोजिट स्टेटमेंट बोल रही हैं। कम से कम जो स्लाइड पे लिखा है उसको तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल श्वेता जी, वही वाला हाल है, मैं सब्जी बनाती हूँ, तुम रोटी बनाओ, मिलके सब्जी रोटी खेलेंगे, ठीक है? तुम भी रोटी मत बनाना, मैं रोटी बना रही हूँ, तुम भी बना लोगे तो रोटी ही रोटी हो जाएगी, फिर सब्जी कहाँ से लाएंगे, वही वाला केस हो रहा है, ठीक है? डेल्टा नॉन सिग्नलिंग का, तो उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, लैग टू इज डेल्टा, ठीक है? और कल ही बताया था डेल्टा का एल, डेल्टा के एल से लिगेंड याद रखिएगा, और लिन 12 यहाँ पे नॉच होता है, नॉच का मतलब रिसेप्टर होता है। ओके, अब यहाँ पे उसी के बारे में बहुत सी बातें दी गई हैं, आप इसको पढ़ लेंगे, दैट इज नॉच डेल्टा एंड लेटरल इनहिबिशन का पाथवे। अच्छा, नॉच डेल्टा में आपने लिन 12 का नाम सुना, ठीक है? अब इस लिन 12 का नाम एक बार आप और सुनोगे जब वल्वा का डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, तो वहां पे भी जो लिन 12 है वो मेन तरीके से काम करता है, लेकिन वहां पे किस में काम करता है, वहां पे वो काम करता है लेटरल इनहिबिशन में। अब वो लेटरल इनहिबिशन कैसा होता है वो अब आपको जब तब पता चलेगा जब हम वल्वा डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाया है उसी का एक और डिटेल वर्जन में एक्सप्लेनेशन लिखा है, तो इसको आप लोग गो थ्रू कर लेंगे, इसको मैं अभी फिलहाल में नहीं डील करवा रही क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी 2-3 बार लेकर समझा चुकी हूँ, ठीक है? अब लेटरल इनहिबिशन क्या होता है ये आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। ओके, तो म्यूटेशन केस की बात करें अगर, तो होगा क्या कि अगर मान लीजिए लॉस ऑफ फंक्शन हो गया लिन 12 का, लिन 12 जो है दोनों ही सेल में लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो दोनों सेल क्या बन जाएगी, देयर इज नो लिन 12, नो लिन 12 इन बोथ द सेल, तो ऑब्वियसली क्या होगा, दोनों सेल में लैग टू एक्सप्रेस करेंगे जो कि म्यूटेशन केस हो जाएगा, और दोनों सेल क्या बन जाएगी, एंकर सेल बन जाएगी। और अगर गेन ऑफ फंक्शन हो गया लिन 12 का दोनों ही सेल में तो क्या होगा, तो दोनों की दोनों सेल जो है यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाएगी। इसी का वाइस वर्सा होगा लैग के केस में, दोनों सेल में अगर लैग टू का गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाएगी, सॉरी दोनों सेल में अगर लैग टू का गेन ऑफ फंक्शन हो गया तो दोनों सेल एंकर सेल बन जाएगी, और लॉस ऑफ फंक्शन हो गया तो यूटरिन प्रिकर्सर टिश्यू बन जाएगी, ठीक है? सिंपल, एकदम सिंपल वाला म्यूटेशन केस, कि जो चीज, क्योंकि हमने यही देखा भाई कि लैग टू हमने यही देखा कि लैग टू का प्रेजेंस एंड लिन 12 का एब्सेंस ये क्या करवा रहा है, ये एंकर सेल बना रहा है, और लैग टू का एब्सेंस एंड लिन 12 का प्रेजेंस ये क्या बना रहा है, ये यूटरिन टिश्यू बना रहा है, राइट? अब इन्हीं का गेन ऑफ फंक्शन लॉस ऑफ फंक्शन करवा देने पे सेम होगा, जैसे कि अगर लैग टू का गेन ऑफ फंक्शन हुआ तो एंकर सेल बन जाएंगी दोनों की दोनों सेल, अगर लिन 12 का लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो अगेन दोनों की दोनों सेल एंकर सेल बन जाएंगी। इसका पूरा उल्टा सेकेंड वाले केस में, लैग टू का अगर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ दोनों ही सेल में तो क्या हो जाएगा, दोनों सेल यूटरिन टिश्यू बन जाएगी, और अगर ऐसा गेन ऑफ लिन 12 का गेन ऑफ फंक्शन हो गया दोनों ही सेल में तो दोनों सेल यूटरिन टिश्यू बन जाएगी, है ना? इजी, तो ये दोनों केस याद रखिएगा। ओके, तो इसके साथ हमारा एंकर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एंकर सेल कैसे फॉर्म होते हैं, और हमने पहले एंकर सेल को फॉर्म क्यों किया, क्योंकि वो एक इंड्यूसर है, उसी की हेल्प से जो है हमें वल्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा सी एलिगन में। यस, लिन 12 इज नॉट रिक्वायर्ड इन वल्वा फॉर्मेशन, वल्वा फॉर्मेशन की अभी बात कहाँ की है,
अभी तो हम एंकर सेल और यूटेराइन टिश्यू की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सी एलिगेंट टफ नहीं है, इजी इजी प्रोसेस है। आप फर्स्ट टाइम नाम सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद क्या ही नया सुन रहे हैं, बट कुछ दिन में, एक हफ्ते में यूज टू हो जाओगे। ठीक है, ओके। अब वल्वा डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लोकेशन के बारे में, ठीक है। ये ग्रीन वाला देखिए, ये है गोनाड्स, ये है गोनाड्स। उसके नीचे ये देखिए एंकर सेल, जिसको अभी अभी हमने बनाया, और उसके नीचे पाए जाते हैं वीपीसीज। तो एक्चुअल में ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे होता है, गोनाड्स नीचे है वीपीसी, इसको बीच में से कनेक्ट कौन कर रहा है, एंकर सेल। तो वही कहा था, एंकर सेल एक ऐसे सेल होते हैं जो कि ओवरलेइंग गोनाड्स एंड अंडरलाइंग वीपीसी को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो वल्वा डेवलपमेंट में क्या होता है, तीन मेजर प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है वीपीसी को फॉर्म करना, ठीक है। 6 वीपीसी का स्पेसिफिकेशन होता है 12 हाइपोडर्मल सेल से, ठीक है, जो कि वेंट्रल एपिडर्मिस में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट, वल्वा प्रिकर्सर की पैटर्निंग होती है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेल्स बनते हैं, ठीक है। और लास्ट हो जाता है एडल्ट सेल का वल्वा में जनरेशन होता है, मतलब कि 22 सेल्स डिवाइड होके बनते हैं, तभी जाकर वल्वा फॉर्म होगा। ये तीन स्टेप के थ्रू टोटल वल्वा फॉर्म होता है। अब ये तीनों स्टेप कैसे चलते हैं वो देखने वाली चीज है। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि वल्वा वीपीसी कैसे जनरेट होते हैं, यानी वीपीसी बनते कैसे हैं। तो होता यह है कि स्टार्टिंग में जो है, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड लार्वल स्टेज, यानी L1 एंड L2 स्टेज में, टोटल 12 जो सेल्स होते हैं, ठीक है, 12 टोटल सेल्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप 1 से लेके 12। इन सेल्स को हम PNP के नाम से जानते हैं, ठीक है। एन के जगह पे कोई नाम आ सकता है, जैसे कि पहले वाले सेल को आप बोलोगे P1.P, इसलिए इसको बोला है PNP सेल, एन की जगह पे नंबर आते रहेंगे। सेकेंड सेल को आप बोलोगे P2.P, ठीक है। तीसरे वाले को बोलोगे P3.P, फोर्थ वाले को बोलोगे P4.P, इस तरीके से जो है नेमिंग होती है इसकी। ओके, तो होता क्या है कि टोटल 6 सेल का सिलेक्शन होता है आउट ऑफ 12 सेल। यहाँ पे जो सेल्स पाए जाते हैं, टोटल 12 सेल्स आप देख सकते हो, इनमें से किसी 6 सेल का सिलेक्शन होता है। और वो जो 6 सेल होते हैं वो पता है कौन से होते हैं, 3 से लेके 8 तक, ठीक है, क्योंकि इन्हीं सेल के पास पोटेंशियल होता है आगे चल के वीपीसी बनने का। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दीज सेल्स आर एक्सप्रेसिंग LIN39 हॉक्स जीन। LIN39 हॉक्स जीन क्या करता है, इन सेल्स में कॉम्पिटेंसी लेकर आता है कि भाई तुम वल्वा प्रिकर्सर सेल बन सकते हो, और साथ ही साथ इन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये अदर सेल के साथ जो है फ्यूज ना हो जाए। और ये एक्सप्रेस करता है 3 से लेकर 8 सेल्स तक, ओके। और इस तरीके से 6 सेल का सिलेक्शन हो जाता है, और ये जो बाकी ये साइड में 1 और 2 बच गया, और उसके बाद जो है 9 से लेके जो 12 सेल बच गए हैं, वो आपस में फ्यूज होके जो है हाइपोडर्मल सेल, यानी स्किन सेल बना लेते हैं। एक्चुअल में ये जो जितने भी सेल्स हैं, इनका डिफॉल्ट फेट होता है हाइपोडर्मिस बनाने का, ठीक है, हाइपोडर्मिस यानी स्किन सेल बनाने का। अगर इन सेल्स को आप कोई सिग्नलिंग नहीं दोगे ना, तो ये हाइपोडर्मिस बना लेंगे, इनका डिफॉल्ट फिट होता है हाइपोडर्मिस बनाना। तो इस तरीके से जो LIN39 हॉक्स जीन होता है, वो P3 से लेके P8P में एक्सप्रेस होता है, जिसकी वजह से ये सेल जो है वीपीसी का फेट ले लेते हैं, कॉम्पिटेंसी गेन कर लेते हैं, और अदर जो नॉन वीपीसी यहाँ पे सेल्स होते हैं उनके साथ ये फ्यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये बाकी जो सेल्स बचे हैं वो आपस में फ्यूज होके हाइपोडर्मिस बना लेते हैं। लेकिन बीच के ये जो 6 सेल हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 सेल अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं वीपीसी की। आगे चल के लेटर, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड 2 सेल फ्यूज होके हाइपोडर्मिस बना लिए, 9 से लेकर 12 तक फ्यूज होके हाइपोडर्मिस बना लिए, और ये बीच के जो 6 सेल हैं ये हो जाएंगे वीपीसी।
आगे चल के L3 यानी लार्वल 3 स्टेज में वल्वा फेट इंड्यूस होता है, इसके थ्रू सिग्नलिंग यहाँ पे होती है, जैसे आरटी के सिग्नलिंग होती है, LIN39 की सिग्नलिंग होती है, इन सिग्नलिंग्स के द्वारा जो है इन 6 सेल सेल को उसका फेट दिया जाता है। और वो फेट कैसा होता है कि इन 6 में से किसी 3 का सिलेक्शन होता है, यानी 5, 6 और 7 का सिलेक्शन होता है जो कि वल्वा बनाते हैं, और 3 एंड 4 एंड 8 ये सेल जो है हाइपोडर्मिस बना लेते हैं। 3 और 4 फ्यूज होके हाइपोडर्मिस बना लेते हैं और 8 जो है हाइपोडर्मिस बना लेता है, और बीच के 5 और 6 सेल जो होते हैं वो आगे चल के डिवाइड करके यही तीनों सेल जो है वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे लिंथ्री क्या कर रहा है, लिंथ्री का काम हो रहा है यहाँ पे एक्चुअल में 12 सेल से 6 सेल में स्पेसिफाई करना, यानी 12 कैंडिडेट में से किसी 6 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना जो कि होगा P3 से लेके P8 तक। हाँ जी चेतना, बाकी सेल्स और इन वीपीसी के बीच में डिफरेंस यही है कि इनको LIN39 मिला है और बाकियों को नहीं मिला है। अगर आप बाकियों को बाय एक्सपेरिमेंट अगर LIN39 प्रोवाइड भी कर दोगे ना, तो चांसेस है कि उनमें भी वीपीसी का फेट आ जाएगा। रोहित जी आपने क्या सुना, अभी तो यही तो मैंने बनाया, आप बोल रहे हैं क्या काम है LIN39 का, तब से तो यही बता रही हूँ। LIN39 हॉक जीन होता है जिसका मेन काम है 6 पीपीसी को कॉम्पिटेंट बनाना, यानी इनको कैपेबल बनाना ताकि वो वल्वा फॉर्म कर सके, और उन 6 सेल को प्रिवेंट करना ताकि वो बाकी सेल के साथ फ्यूज होके हाइपोडर्मिस ना बनाए। ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ सिग्नलिंग। यस इज दिस क्लियर। अच्छा ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने रेफरेंस लिया है एक पेपर से, ठीक है, उस पेपर से आप इसका लिंक मैंने यहाँ माई मिनट इसका रेफरेंस मैंने यहाँ दे दिया है, आप चाहे तो उसको विजिट करके भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो और सिंपल भाषा में कहूं, इसकी समरी अगर मैं बताना चाहूं तो समरी इतनी सी है कि 12 सेल से 6 वीपीसी का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज LIN39 के थ्रू हो रहा है, ठीक है, और 6 वीपीसी से वल्वा का फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रहा है, दैट इज आरटीके पाथवे के थ्रू एंड अदर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू। क्लियर? तो ये जो मैंने इतनी बड़ी राम कथा बताई उसका मेन एम ये समझाने का था, ये जो समरी मैंने लिखा है कि जो 12 सेल्स है, 12 सेल्स है जिनका फेट क्या होता है हाइपोडर्मिस बनाना, वहां से 6 वीपीसी को सेलेक्ट किया जाता है, कौन से 6, P3 से लेकर P8 तक, ठीक है, और ये 12 वाले कौन से होते हैं, P1 से लेके P12 तक। अब LIN3 कहाँ पे यूज होता है पता चलेगा, वेट कीजिए, पहले स्टेप वाइज चलिए ना, हमने पहले पढ़ा एंकर सेल फॉर्मेशन, समझ में आ गया होगा, फिर हमने पढ़ा वीपीसी फॉर्मेशन, अब इस वीपीसी से हम वल्वा फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी तक का चैप्टर है वीपीसी, ठीक है, कि वीपीसी कैसे बना, समझ में आ गया, LIN3 के मदद से बना, आपको ये पता होना चाहिए LIN3 की मदद से बना। LIN3 ने क्या किया, LIN3 ने कॉम्पिटेंसी गेन करवाया 6 वीपीसी को, और साथ ही साथ 6 वीपीसी को प्रोटेक्ट किया ताकि वो अदर वीपीसी के साथ, जैसे वो यहाँ पे देखिए ये अदर वीपीसी यहाँ फ्यूज हो रहे हैं, तो लेकिन ये ग्रीन वाले बीच वाले फ्यूज नहीं हो रहे हैं, ये बाकी सब फ्यूज होके हाइपोडर्मिस बना रहे, बीच वाले नहीं हो रहे क्योंकि LIN39 उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, फ्यूज नहीं होने देता है। चलो ये भी डन हो गया, इसके बाद का स्टेज है L3 L4 वाला स्टेज, वो भी आगे कवर किया जाएगा, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर में दो पार्ट पढ़ा, हमने पढ़ा एंकर सेल फॉर्मेशन, दूसरा पढ़ा हमने वीपीसी जनरेशन, अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है कैसे होगा क्या होगा, इसको मैं अभी फिर से बताऊंगी, टेंशन मत। ओके
तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमें कुछ जानने होंगे वल्वा फॉर्मेशन से पहले. वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं, देखिए एंकर सेल यहाँ पे इंड्यूसर की तरह काम करेगा, लिन थ्री यहाँ पर इंडक्टिव सिग्नल की तरह काम करेगा जो कि एंकर सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा. ये लिन थ्री मॉर्फोजन भी है, यही लिन थ्री जो है पैराक्राइन फैक्टर भी है, और यही लिन थ्री मेमेलियन सिस्टम में पाया जाने वाला ईजीएफ से सिमिलैरिटी रखता है. यानी मैमल्स में जैसा काम ईजीएफ करता है, सी एलिगन में वैसा काम लिन थ्री करता है, एंड दैट इज वाई लिन थ्री इज अ होमोलॉग ऑफ ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर. एक और फैक्टर पाया जाता है जिसका नाम होता है LET23. LET23 जो है रिसेप्टर होता है लिन थ्री का, और ये LET23 किस पे पाया जाता है, सारे वीपीसी पे, यानी 6 के 6 वीपीसी पे, वीपीसी के सरफेस पे जो है LET23 पाया जाएगा. यानी अगर मैं इस डायग्राम को मॉडिफाई करना चाहूं तो इसके सरफेस पे इस तरीके से जो है LET23 पाया जाएगा. LET23, ठीक है. नेक्स्ट, LET23 है क्या, सीधी सी बात है, अगर लिन थ्री ईजीएफ है तो LET23 ईजीएफआर जैसा काम करेगा, राइट. हमारी बॉडी में जो काम ईजीएफ करता है वैसा काम सी एलिगन की बॉडी में लिन थ्री कर रहा है, तो ईजीएफ का रिसेप्टर कौन होगा, ईजीएफआर, जिसे कि हम एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कहते हैं. सिमिलर बेसिस पे लिन थ्री का रिसेप्टर LET23 है, तो LET23 भी किसकी जैसा होगा, ईजीएफआर जैसा होगा. और EGFR क्या करते हैं, आरटीके मैप काइनेस पाथवे को रन करते हैं, तो ये भी आरटीके पाथवे को रन करेगा, ठीक है. इसलिए कहा था कि लिन थ्री आरटीके पाथवे को एक्टिवेट करता है, बिकॉज LET23 इज इक्विवेलेंट टू मेमेलियन EGFR, वेर एज लिन थ्री इज इक्विवेलेंट टू मेमेलियन EGF, ठीक है, इक्विवेलेंट माना जाएगा. सारे वीपीसी पे, यानी सारे 6 वीपीसी पे जो है LET23 रिसेप्टर पाए जाएंगे, और सारे के सारे 6 वीपीसी को हम इक्विवेलेंट सेल मानते हैं, बिकॉज सबके पास इक्वल कॉम्पिटेंसी होती है टू गेट इंड्यूस्ड फ्रॉम इंड्यूसर. सारे 6 वीपीसी पे इंड्यूसर से इंड्यूस होने की इक्वल कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए ये सेल जो है इक्विवेलेंस सेल कहलाते हैं. जैसे हमने Z1.PPP एंड Z4.PPP के इसमें देखा था कि बोथ वेर हैविंग द इक्वल कैपेबिलिटी, हेंस ये 6 वीपीसी के पास भी इक्वल कैपेबिलिटी होती है, इक्वल कॉम्पिटेंसी होती है, और इसलिए हम इसे इक्विवेलेंस ग्रुप ऑफ सेल कहते हैं. वीपीसी का जो 6 वीपीसी हमारे पास आई है ना, वो भी अपने डिफॉल्ट फेट के साथ ही आई है. जैसे 12 वीपीसी थी, तो उनमें से जो 6 हमारे पास आई हैं उनके पास भी डिफॉल्ट फेट है एपिडर्मिस यानी हाइपोडर्मिस का ही. कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप उसको कोई सिग्नल नहीं दोगे तो 6 वीपीसी जो है वो भी हाइपोडर्मिस बनाएगी फ्यूचर में, अगर उसको आप सिग्नल नहीं देते हो तो, ठीक है. नेक्स्ट, लिन 39 को हमने देखा कि इसने जो है 6 वीपीसी को स्पेसिफाई किया, और इसी पाथवे में हम देखेंगे लिन 12 को जो कि डेल्टा नॉच पाथवे से रन करेगी और लेटरल इनहिबिशन कराएगी. ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको अपने दिमाग में जो है आप फिट कर लीजिए, तभी जो है आपको सारी चीजें समझ में आएंगी आगे चल के. हाँ जी, क्लियर.